वैसे तो संसार में 99 परसेंट लोग जानते ही नहीं हम कौन हैं हमको मानव देह क्यों मिला है और हम इस बंधन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये सब तत्व ज्ञान हमारे विश्व में नाइन्टी नाइन परसेंट को सही सही नहीं है और जिनको है उन लोगों में एक कमी है कि वे इस पर गंभीर विचार नहीं करते कि यह शरीर जिस पर हमको गर्व है ये एक क्षण में समाप्त तो हो सकता है और बिना बताए बता कर अगले क्षण में अगर समाप्त तो हो तब तो बात बन जाए अगर किसी को बता दिया जाए तुम अगले क्षण में मरोगे तो वो तुरंत मन भगवान में लगा दे और अंत समय में जहां मन रहेगा उसी की प्राप्ति होती है अंत काले मामेव स्मरण मुक्वा बरम अंत समय में हम जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे उसी की प्राप्ति होगी माँ हो बाप हो भाई हो बीबी हो पति हो महापुरुष हो भगवान हो जहां हम मन का ट्रीटमेंट रखेंगे अंतिम क्षण में यो यदि क्षति तस् तत् कठोपनिषद एक दो सोलह तम यथा यथोपासते तथा भवती मुद्गलोपनिषद तीन तीन यम यम वाप स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तन तमे सदा तद भाव भाविता गीता आठ छो तो जब हम इस पर गंभीर विचार करें और हर समय दिए रहे अगला क्षण न मिला तो हम गलत चिंतन कर रहे हैं इस समय सावधान हो जाए आप लोग कहेंगे बड़ा मुश्किल है मुश्किल कुछ नहीं है आप तो रोज करते हैं एक आदमी साइकिल चला रहा है कार चला रहा है इसी दिल्ली में अगर एक सेकंड को भूल जाए या उसका मन कहीं चला जाए तो क्या हो जाता है एक्सीडेंट तो हर समय आगे भी देखता है पीछे भी देखता है दाए भी देखता है बाएं भी देखता है कितना मन पर कंट्रोल है उसका अरे पैदल ही चल रहा है तो भी वही बात है यह अभ्यास आपको है शरीर के लिए बड़ा अभ्यास है बड़ा इंपॉर्टेंट है आत्मा के लिए परवाह नहीं है हा शरीर में चोट लग जाएगी शरीर खत्म हो जाएगा मर जाऊंगा ये बड़ी फिक्र है आपको इस गंदे शरीर और आत्मा की फिक्र नहीं है इसलिए शरीर क्षणिक है यह फीलिंग ये रियलाइजेशन सदा बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए देखो एक लड़का इतना चंचल उसका मन होता है हाई स्कूल का लड़का सालाना परीक्षा में बैठा है जिस बिल्डिंग में बैठा है सबसे बगल वाली कुर्सी मिली है उसको और उसी कुर्सी के बगल में रोड है और रोड से लगातार लोग जा रहे हैं सवारियां जा रही हैं पो पो हो रहा है हार्न बज रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं सुनता न देखता है उसको अपने पेपर की फिक्र है अगर फेल हो गए तो तीन घंटे पूरा वो समाधि में रहकर लिखता है देखो उसका भी मन में है अरे बताओ एक अरब आदमी है हमारे देश में उसमें कितने आदमी ऐसे आप बताएंगे जिनको इस गंदे शरीर के ढकने का परवाह ना हो नंगा घूमे देखो एक स्त्री दिन भर अपने साड़ी को या, या, या करती रहती है उसको खोसे की नहीं है असभ्यता है हमने देखा है अस्सी वर्ष की बुढ़िया भी है फैलाये है पीतांबर है जरा सा हाथ उठाया तो वो गिर गई साड़ी फिर उठाया फिर रखा आप लोग ताई को सीधी करते रहते हैं ठीक है ना गलत तो नहीं है टेढ़ी तो नहीं हो गई <laughs> इतनी फिक्र है आपको इस गंदे शरीर की ऐसे ही आत्मा का चिंतन हमको करना चाहिए अगला क्षण मिले ना मिले जितनी परवाह भगवान की हो उतनी परवाह इस शरीर की क्षण भंगुरता का भी होना चाहिए तो लापरवाही ना हो कर लेंगे ये सिद्धांत रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था अ लक्ष्मण तुम मेरे बेटे के बराबर हो और मैं ब्राह्मण हूं तुम क्षत्रिय हो मेरा उपदेश है तुमको मरते समय कि भगवत विषय काम अच्छा वाला काम तुरंत करो और गलत वाला काम संसार वाला काम नंबर दो करो संसार में होता है ना जैसे रुपए पैसे में नंबर एक नंबर दो बैंक में नाम डालते हैं ना आप लोग नंबर एक मेरा नाम नंबर दो बीबी का ऐसे ही नंबर एक रखो आत्मा के लिए नंबर दो रखो शरीर के लिए ओ लापरवाही ना हो पहले ये सावधानी रखो कि वर्क के अलावा जो समय बचे आठ घंटे वर्क करो अगर पेट के लिए शरीर के लिए और घंटे सो जाओ चौदह घंटे हो गया दो घंटे शरीर के लिए भी दे दो तो बाकी टाइम जो बचे उसको भगवत चिंतन में लगाओ कमाओ ना अकेले बैठे हैं कुर्सी पर कोई नहीं है क्या करें फिर चिंतन करें आ, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसी है वो इससे क्या मिलेगा शेख चिल्ली के किस्से से क्या करें जी फालतू बैठे थे अरे तो भगवान का चिंतन करते परवा नहीं है अरे भगवान का चिंतन कर लेंगे बुढ़ापे में अभी क्या है जल्दी बुढ़ापे में दो प्रॉब्लम आएगी एक तो शरीर कमजोर होगा बीमार होगा उसका चिंतन करोगे नंबर दो संसार के परिवार बढ़ जाएंगे तो उनमें अटैचमेंट हो जाएगा अभी अपने शरीर में अटैचमेंट है फिर एक बीबी आ गई फिर एक बच्चा हुआ दो हुआ चार हुआ बच्चे के बच्चा हुआ तुम्हारे बुढ़ापे तक ये जो पंद्रह बीस हो जाएंगे सब में अटैचमेंट होगा फिर उससे डिटैचमेंट कराने में उतनी बड़ी मेहनत होगी फिर परेशान हो जाओगे कहां कहा से मन निकालू अरे मन एक ही है ना सब कर ममता ताग बटोरी मम पद कमल बांधू बटुडोरी सब जगह से मन को हटाना पड़ेगा तब तो भगवान में लगाओगे ये सावधानी बरतने का अभ्यास करना होगा अभ्यास